ये गाड़ियों के स्क्रैपिंग के वजह से स्क्रैप मटेरियल जो तैयार होगा उससे काफी वैल्यू एडिशन भी होगा। स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट के आधार पर नए वाहन खरीदने के लिए हमने एक एडवाइजरी अब इशू की है कि जो स्क्रैपिंग करेगा अपने व्हीकल को, ट्रक को या बस को, तो वो स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट जाने के बाद मैंने देश के सभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को आह्वान किया है और उनको एडवाइजरी भेजी है, मैं मैंडेटरी नहीं कर सकता, तो उनको आह्वान किया है कि आप 5% आप इसको सहूलियत दो जो सर्टिफिकेट लेके आएगा। तो समझो आपकी कार 10 लाख रुपए की है तो 50,000 रुपए का इंसेंटिव वो देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो निश्चित रूप से आपको नई गाड़ी खरीदने में पेट्रोल डीजल के तुलना में आपका एवरेज 2 गुना 3 गुना बढ़ जाएगा, प्रदूषण चला जाएगा और ऊपर से आपको इसका फायदा होगा। तो ये निश्चित रूप से इसका काफी लोगों के लिए उपयोग होगा। रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स में भी भारी छूट इसमें दी है, इससे लोगों को नए वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगे, जिसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर की सेल्स बढ़ेगी। और राज्य सरकार का और भारत सरकार का जीएसटी बढ़ेगा, क्योंकि 10-15% नए व्हीकल खरीदे जाएंगे तो राज्य सरकार को भी जीएसटी का फायदा होगा, भारत सरकार को भी होगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगभग 3.7 करोड़ लोगों को डायरेक्टली अथवा इनडायरेक्टली इससे रोजगार मिलेगा। ये देश की सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली इंडस्ट्री है और हिंदुस्तान ये 5 साल के अंदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अभी सभी देश के वर्ल्ड के ब्रांड, अभी टेस्ला भी आ रहा है, अभी मर्सिडीज से लेकर बीएमडब्ल्यू से लेकर दुनिया के सब ब्रांड हिंदुस्तान में है और 5 साल के अंदर हिंदुस्तान ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का वर्ल्ड का नंबर 1 हब बनेगा। ये पॉलिसी से इसको बहुत ताकत मिलेगी। इसमें टर्नओवर 7.2 लाख करोड़ का एक्सपेक्टेड है। इंडस्ट्री ने इस साल लगभग 15 लाख करोड़ का जीएसटी भरा है। स्क्रैपिंग पॉलिसी के लागू होने पर केवल इन आंकड़ों में वृद्धि होगी, पर स्क्रैपिंग सेंटर ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर की वजह से 10,000 करोड़ का अतिरिक्त निवेश होगा। स्क्रैप मटेरियल के ऐसे एलिमेंट भी प्राप्त होंगे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो बैटरी का रिसर्च का काम हो रहा है उसमें उदाहरण के लिए NdFe मैग्नेट पुराने गाड़ी में निकलता है जो एक रेयर अर्थ एलिमेंट निडोमियम से मिलता है और वो काफी महत्वपूर्ण मैग्नेट है जो ईवी में लगता है, तो वो उसी को निकालकर उसको प्रोसेसिंग करके वो ईवी में जाएगा तो कॉस्ट भी कम होगी और फायदा होगा। ये मैग्नेट केवल इंपोर्ट होता है, अभी हमारे देश में नहीं होता, तो ये हमारे देश में तैयार होगा। नियमित स्क्रैपिंग अगर की जाए तो उससे नियोडियम भी प्राप्त होगा जिसमें ये मैग्नेट भारत में बन सकेंगे। लिथियम, एल्युमिनियम, सोडियम और जिंक, ये जैसे लिथियम आयन बैटरी है तो सोडियम आयन, एल्युमिनियम आयन, स्टील आयन और इसके साथ साथ जिंक आयन, ये चारों का भी हमारे देश में रिसर्च हो रहा है और 2-3-4 साल लिथियम आयन बैटरी बनाएंगे बाद में, ये तो एम्पल लेवल पर है और हमारे देश के टेक्नोलॉजी में इतना आगे जा रहे हैं कि हम इसमें निश्चित रूप से आगे वर्ल्ड का लीडरशिप हमारे पास में आएगी। नए वाहन में पुराने वाहन के मुकाबले मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है, फ्यूल इफिशियंसी भी ज्यादा है और प्रदूषण भी कम है। वैश्विक मानकों की बेस्ट प्रैक्टिसेस का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद में और ये फिटनेस टेस्ट में असफल होने अथवा इसमें रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र का नवीन करने में असफल होने पर इसे एंड ऑफ लाइफ व्हीकल घोषित किया जाएगा, अब ये खत्म करो, इसको डिस्ट्रॉय करो। तो वाहनों के फिटनेस निर्धारित करने के लिए बहुत साइंटिफिक तरीके से इसका अध्ययन करके किया है, इमिशन टेस्ट, ब्रेकिंग, अन्य परिवहन संरक्षा उपकरण केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसार है। ये प्रस्ताव किया गया कि कमर्शियल वाहन वाहन फिटनेस साबित करने में असफल रहने के मामले में 15 वर्ष के पश्चात अनिवार्य रूप से डी रजिस्टर कर दिया जाएगा। अगर ये ऐसे फिट धुआं छोड़ने वाले अनफिट व्हीकल होंगे तो उसको डी रजिस्टर किया जाएगा। इसे डिस इंसेंटिव के रूप में फिटनेस प्रमाण पत्र के शुल्क बढ़ा हुआ है। फिटनेस परीक्षण कमर्शियल वाहनों के लिए इनिशियल रजिस्ट्रेशन की तिथि में 15 वर्ष तक वाहन के लिए लागू होगा। यह प्रस्ताव है कि यदि निजी वाहनों ने 20 वर्ष के पश्चात अनफिट पाया जाता है अथवा रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण कराने में विफल रहता है तो अनिवार्य रूप से डी रजिस्टर कर दिया जाएगा, उसको जब्त करके उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। इसे बढ़ावा देने से रोकने के उपाय के रूप में फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए बढ़ा हुआ है री रजिस्ट्रेशन शुल्क इनिशियल रजिस्ट्रेशन की तिथि से 15 वर्ष तक निजी वाहनों के लिए लागू होगा।